दिल्ली में G20 के शिखर सम्मेलन का समापन हो चुका है, लेकिन इसमें जो बड़ी उपलब्धियां हैं उसमें न सिर्फ दिल्ली डिक्लेरेशन है जो कि सर्वसम्मति से अडॉप्ट हुआ है, यहां पर काफ़ी संशय के बाद भी भारत ने इसमें बड़ी कामयाबी हासिल की है, कहीं कोई अलग सुर इसमें नहीं दिखे हैं, बल्कि अफ्रीकन यूनियन का G20 में शामिल होना भी एक बेहद बड़ी उपलब्धि है और अफ्रीकन यूनियन का ये मानना है कि भारत के जोर लगाने से ये हुआ है। पीएम मोदी जून से ही लगातार इसके लिए कोशिशें कर रहे थे, उन्होंने एक तरह से गारंटी भी दी थी, कहा था कि ज़रूर भारत ये करेगा और दिल्ली शिखर सम्मेलन में ये हो भी पाया है। 55 देशों का समूह है, हालांकि साउथ अफ्रीका पहले से ही इसमें शामिल था, लेकिन उसके अलावा भी कम से कम 54 देश हैं इस अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के जो इसमें शामिल हैं अफ्रीकन यूनियन में, उनका इस समूह में जो एक इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था को लेकर जो कई बड़े निर्णय करता है, आगे का रास्ता दिखाता है, उसमें शामिल होना बड़ी बात है। इन सब के बाद अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या G20 का नाम बदलकर G21 हो जाएगा? तो इसका जवाब ये है कि जब से G20 शुरू हुआ उसमें ऐसा नहीं है कि 20 देश थे, देश उसमें 19 ही थे। असल में 1999 में जब इमर्जिंग इकोनॉमीज और बाकी में समस्या आनी शुरू हुई, जैसे जो मार्केट मेक्सिको का जो पेसो क्राइसिस जिसको कहते हैं वो था, उसके बाद 1997 का एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस था, 98 का रशियन फाइनेंशियल क्राइसिस था, इस सब के बाद 99 में एक अनौपचारिक तौर पर ये स्थापित किया गया था, उसमें फाइनेंस मिनिस्टर्स या जो सेंट्रल बैंक के हेड होते थे वो जाते थे, 2008 में उसके हेड्स ऑफ स्टेट्स जो है वो होने लगे। तो इसमें 19 कौन है एक बार वो आपको हम बताते हैं। अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, दक्षिण कोरिया, मेक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, यूके और अमेरिका, और 20वां सदस्य था यूरोपियन यूनियन। तो जब से ये शुरू हुआ था इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ था लगातार अब तक, भले ही फाइनेंस मिनिस्टर्स की जगह अब हेड्स ऑफ द स्टेट्स हो गए थे 2008 में, लेकिन बदलाव इसमें ये नहीं हुआ कि उसमें और भी देश आते गए और नाम बदलता गया। तो शुरू से नाम जो है वो G20 है, 19 देश और एक यूरोपियन यूनियन जिसमें 29 सदस्य हैं फिलहाल। तो अब जब सवाल ये उठ रहा है कि क्या ये G21 होगा, तो ये कैसे हो सकता है, इसकी प्रक्रिया असल में कहीं पर नज़र नहीं आई क्योंकि पहले ऐसा कुछ हुआ नहीं है, और ये भी नहीं है कि इसका कोई हेडक्वार्टर्स है जहां पर जाकर ये सब कुछ होगा, क्योंकि रोटेशन में सभी देशों के पास अध्यक्षता जाती है, तो इसका कोई हेडक्वार्टर्स नहीं है, कोई विशेष स्पेसिफिक स्टाफ नहीं है। लेकिन एक बड़ी चीज़ इसमें यह है कि क्योंकि ये ऐसा एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें सब कुछ एक कंसेंसस के साथ होता है, तो ये कंसेंसस जो है वो नाम के लिए भी शायद बेहद ज़रूरी होगा। अगर हर देश इसके लिए सहमत होगा तभी नाम बदलकर G21 होगा, लेकिन ये एक समूह है और हो सकता है कि ये हो भी ना भी हो, लेकिन अभी तक इस पर कोई साफगोई के साथ चीज़ें सामने नहीं आई हैं, क्योंकि अहमियत अभी फ़िलहाल ये है कि जो अफ्रीकन यूनियन है, अफ्रीका के जो देश हैं उनको एक आवाज़ मिले, और ये ग्लोबल साउथ को आगे बढ़ाने के लिए जो भारत ने एक बीड़ा उठाया है उसमें उसका एक ये ज़रूर हिस्सा है। वसुधैव कुटुंबकम जो इस साल का थीम था उसका ज़रूर ये एक हिस्सा है। तो इस पर चर्चा निश्चित तौर पर होगी और हो सकता है कि नाम बदलने को लेकर जब देशों में सहमति बन जाए उसके बाद इसका नाम बदल भी जाए, लेकिन अभी क्योंकि ये अभी ही हुआ है तो अभी कितने वक्त में ये नाम बदलेगा ये अभी कहना ज़रा मुश्किल है। तो G21 भी अगर हो जाता है तो ये एक तरह से अच्छा ही होगा, क्योंकि उसमें ये साफ होगा कि एक और ऐसा बड़ा यूनियन है जो कि इसमें शामिल हुआ है और किस तरह से वो उसमें योगदान करेगा और देश बाकी जो दुनिया के देश वो किस तरह से उसको आगे बढ़ाने में, उसके विकास में, उसके सस्टेनेबल ग्रोथ में किस तरह से मदद करेंगे। तो ये एक उपलब्धि है और आगे भी उम्मीद ये की जा रही है कि G20 जो है, भले ही वो फ़िलहाल G21 है, वो काफ़ी मदद करेगा। जिस तरह के जियोपॉलिटिकल टेंशंस हैं यहाँ पर इस वक्त, जैसे रूस यूक्रेन युद्ध के कारण हुए हैं, फूड स्कार्सिटी है, फ्यूल क्राइसिस है, इन सब चीज़ों में अफ्रीकन यूनियन की भी मदद होगी। नाम भले बदले ना बदले, लेकिन कम से कम ये ज़रूर जारी रहना चाहिए। दिल्ली से कादम्बिनी शर्मा, NDTV इंडिया।